इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में ईशान किशन ने डेब्यू मैच में जिस तरह बड़ा धमाका किया और 56 रन की धमाकेदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई, उसके बाद क्रिकेट की दुनिया ईशान किशन के टैलेंट को सलाम कर रही है। ईशान किशन की धमाकेदार पारी पर वीरेंद्र सहवाग ने धोनी से तुलना करते हुए कहा, झारखंड के एक युवा विकेटकीपर बैट्समैन को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया जो अपनी काबिलियत को साबित कर रहा है, ये पहले भी हो चुका है। ईशान किशन की बेखौफ और आक्रामक बैटिंग देखकर मजा आ गया। वहीं युवराज सिंह ने ईशान किशन की बैटिंग पर कहा, क्या सपनों की तरह डेब्यू किया है ईशान किशन, अपने खेल के प्रति पूरी तरह बेखौफ। कम उम्र में IPL खेलने की यही खासियत है कि ऐसे दबाव को झेलने की आदत पड़ जाती है और युवा खिलाड़ी आते हैं खुलकर अपना खेल दिखाते हैं। वहीं हरभजन सिंह ने ईशान किशन की दिलेर बल्लेबाजी पर कहा, यंग मैन ईशान किशन क्या शानदार पारी खेली है, ऐसे ही खेलते रहो यंगस्टर, निश्चित तौर पर शानदार भविष्य दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुंबई पलटन के खिलाड़ी इंडिया से बेहतर हैं, क्या शानदार डेब्यू किया है ईशान किशन। वहीं वरिष्ठ खेल पत्रकार विक्रांत गुप्ता ने कहा, भारत के लिए T20 की अनसुलझी पहेली में यही मिसिंग था, एक विस्फोटक ओपनर जो तोड़ फोड़ कर सके। कुल मिलाकर ईशान किशन ने जैसा शानदार डेब्यू किया है और 56 रन की संकट मोचक पारी खेली है, उसे देखकर दुनिया के क्रिकेट सितारे उन्हें छोटा पैकेट और बड़ा धमाका बता रहे हैं। लेकिन क्या लगातार अच्छी बल्लेबाजी करके ईशान किशन T20 के साथ साथ वनडे मैचों में भी धमाकेदार ओपनर की स्थायी जगह ले पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें।